कैसा लगेगा जब आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के पास सेल्फी लेने जाओ और वो आपकी गर्दन ही पकड़ ले। ये तो वही बात हो गई कि गए गुलाब लेने और गुलाब की जगह कांटे चुभ गए। हाय, मैं हूँ मानसी और आप देख रहे हैं क्रिक स्कूल। ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान ऐसी ही कुछ घटना हुई है जहाँ बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर ने सेल्फी लेने आए फैन पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं किस प्लेयर की बात कर रही हूँ, अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिकेट प्रेमी फैन है और आपको भी क्रिकेट का असली ज्ञान चाहिए तो आप सही जगह पे हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हाँ, लाइक तो चेरी ऑन टॉप की तरह इसलिए वो मस्त है। वो प्लेयर है शाकिब अल हसन। वो ढाका प्रीमियर लीग में शेख जमल धनमोंडी क्लब का हिस्सा है। ये विवाद टॉस होने के पहले की बताई जा रही है, जब शाकिब टॉस होने के पहले हेड कोच और टीम के स्पिन बॉलर से बात कर रहे थे, तभी एक फैन उनकी तरफ आते हैं सेल्फी के लिए, लेकिन शाकिब उन्हें मना कर देते हैं, बट वो फैन फिर भी इंसिस्ट करते रहते हैं और इवन वो फैन थोड़े डिस्टेंस से सेल्फी क्लिक करने की कोशिश भी करते हैं, जिसके बाद चीजें अगली हो जाती हैं। पहले तो शाकिब उस फैन का फोन छीनने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते हैं। फिर वो उस फैन की गर्दन पकड़कर उसे खुद से दूर कर देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस शाकिब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के जरिए। यार, ऐसा भी कोई करता है भला? मुझे तो उस फैन के लिए बहुत बुरा फील हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार शाकिब का नाम इस तरह के विवादों में आ चुका है। इससे पहले वो 2015 बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में एम्पायर पर चिल्लाए थे, के बाद उन पर वन मैच का बैन और फाइन भी लगा। एक बार और ऐसे ही गुस्से में उन्होंने स्टंप उठाकर फेंक दिया था ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान। आपका क्या ओपिनियन है शाकिब के इस बिहेवियर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं आगे भी इसी तरह के क्रिक स्कूप की वीडियोस इस चैनल पर बनाती रहूंगी, इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें।